लॉरेंस बिश्नोई का आदमी कांबले करके, जिसको महाकाल बोला जाता है बिश्नोई टीम की तरफ से, उसका ये कहना है कि सबसे पहले तो उन्होंने सिद्धू सिद्धू मूसा वाला का ये काम किया, उसके बाद हिरन की वजह से, हिरन जो सलमान खान ने जो हिरन का शिकार किया था नहीं किया था ये तो कोर्ट बताएगी, लेकिन जो हुआ था उस बारे में लॉरेंस बिश्नोई और उसकी टीम सलमान खान को टारगेट कर रही है, ये हमारे सामने बात आई थी। सलीम खान को लेटर वगैरह दिया था, लेकिन अब लॉरेंस बिश्नोई का ये क्या कहना हो गया कि सुशांत सिंह राजपूत को परेशान किया है, उन लोगों को हम टारगेट करेंगे। सुशांत के साथ उसका क्या रिश्ता है क्या नहीं पता नहीं, लेकिन वो क्यों ऐसा कर रहा है ये उसको जाने। मैं इस बारे में कोई किसी की राय या किसी के पक्ष नहीं लूंगा, लेकिन न्यूज़ आपके पास ज़रूर देनी है, वो ज़रूर दूंगा। कहा जा रहा है कि पहले तो करण जौहर को टारगेट किया गया और 5 करोड़ की डिमांड की गई। अब 5 करोड़ की डिमांड की गई तो फिर टारगेट क्या होता है, ये तो पैसे के लिए किया गया। लेकिन ठीक है, अब लॉरेंस बिश्नोई की टीम बोल रही है कि सुशांत को परेशान किया इसके लिए हम करण जौहर को टारगेट कर रहे हैं अब, और उसके बाद उन सारी लिस्ट में काम करेंगे जिन लोगों ने सुशांत को परेशान किया। अब ये बिश्नोई की टीम की तरफ से आया है, क्या सच्चाई है इसमें क्या नहीं है, क्योंकि सलमान खान को उन्होंने सुशांत के लिए टारगेट नहीं किया था, सलमान खान को उन्होंने हिरन के लिए टारगेट किया था, और करण जौहर को उन्होंने किया है सुशांत के लिए टारगेट। और बाकी इसके बाद उन्होंने कहा है कि लंबी लिस्ट है हमारी, अच्छी खासी लंबी लिस्ट है। तो इन्होंने हिरन वाला काम किया, और सिद्धू मूसा वाला को क्यों टारगेट किया, ये सारी चीज़ें सिद्धू मूसा वाला के, चलो उन्होंने तो पूरा पूरा अपने ऊपर ले लिया कि नहीं हमने ही टारगेट किया था और ये सब हुई, सलमान खान को भी हमने धमकी दी थी और करण जौहर हमारा नेक्स्ट टारगेट है, ये सारी चीज़ें वन बाय वन बिश्नोई टीम की तरफ से आ रही है। अचानक ही ये नाम लॉरेंस बिश्नोई बहुत ऊपर उठ के आया है, क्यों कर रहा है लॉरेंस बिश्नोई ऐसा और क्यों, बाकी की चीज़ें तो मुझे नहीं पता, लेकिन मतलब क्यों ऐसा कर रहा है ये तो खुद ही जाने। लेकिन हाँ, एक पुलिस की जब मार पड़ी उसको बहुत ज़्यादा, तब उसने कहा कि मुझे इतना मत मारो, मैं सच बता देता हूँ, और तब उसने सच ये बताया है कि एक एक करके हम टारगेट कर रहे हैं लोगों को। उसका रीज़न बहुत सारे रीजन्स है, पैसा भी एक रीज़न है, लेकिन मेन टारगेट मुझे लग रहा है कि हर बार नाम क्यों अलग, आप हिरण के लिए बोल रहे हो, कभी सुशांत का बोल रहे हो, कभी ये बोल रहे हो, कभी वो बोल रहे हो, सिद्धू मूसा वाला का तो अपने कोई रीज़न मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा था। ऐसे लॉरेंस बिश्नोई की टीम और वो इस तरह से खुलेआम जो कर रहे हैं, क्या वो सही है? मैं किसी की साइड नहीं, ना मैं बॉलीवुड की साइड हूँ, ना मैं लॉरेंस बिश्नोई की साइड हूँ, ना मैं किसी और की साइड हूँ, लेकिन अगर सुशांत का उसने नाम लिया है तो मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि क्या इसमें कितनी सच्चाई है, क्या वो सुशांत के लिए लॉयल है, और लॉयल है तो फिर पहले क्यों नहीं बोला, अचानक ही उसको सुशांत का नाम लेने का क्या मतलब, ये बात भी सच है। चलिए देखते हैं। इसके बाद मेन मेन टारगेट में उन्होंने कहा है कि ऐसे कहा जा रहा है, लॉरेंस बिश्नोई की टीम की तरफ से अभी तक ये खुलासा नहीं हुआ, करण जौहर का नाम जरूर उन्होंने खुलासा किया है लेकिन बाकी लोगों का नाम अभी तक खुलासा नहीं किया, लेकिन कहा जाता है ऐसा कि जिन जिन लोगों ने सुशांत को बोला कि सुशांत बॉलीवुड से नहीं है, ये जो जो भी स्टेटमेंट दी है वो फिर आईफा अवार्ड में शाहरुख खान शाहिद कपूर हो या फिर दूसरे लोग हो, एकता कपूर का भी नाम आया था, फिर उसके बाद इंटरव्यू में आलिया भट्ट अनिल कपूर की बेटी थी, ये सब लोगों ने भी बोला था, तो क्या ये सब भी लोग टारगेट में है, ऐसा बोला जा रहा है। अभी तक कंफर्म न्यूज़ बिश्नोई टीम से नहीं आई, लेकिन यह सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है बिश्नोई की टीम की तरफ से, नहीं तो क्या है? क्योंकि बिश्नोई का नाम जब उछला था सलमान खान को फुल प्रोटेक्शन दी गई, आज भी एक दो पुलिस वाले रहते हैं और करण जौहर को भी शायद प्रोटेक्शन मिलने वाली, तो या ये दोनों तरफ से पब्लिसिटी स्टंट है या बिश्नोई की टीम की तरफ से पब्लिसिटी स्टंट है या इसमें वाकई में कोई सच्चाई है पता नहीं, लेकिन वो जो लेटर पहुंचा था सलीम खान को उसमें काफी सच्चाई थी। देखते हैं आगे कौन सा बिश्नोई टीम क्या नाम लेने वाली है, और सुशांत का नाम उन्होंने क्यों लिया, क्यों खुलासा किया, क्योंकि पुलिस के डंडे पड़े तो उसने कहा था मुझे मत मारो मैं सब कुछ बताता हूँ। अब बता बता के एक एक खुलासा होगा, तो अगले ही खुलासे के साथ मैं आपके साथ जरूर मिलूंगा। इस वीडियो को शेयर जरूर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए।